तो ये वाली रोड पे तो पूरा पानी आ गया इधर साइड में आगे तक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और अभी बज रहा है सुबह का 7। जल्दी उठ गया था मैं, तो सो गया था मैं आराम से। अभी तो वो दोनों तो सो ही रहे हैं। बाहर ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर। तो यहाँ पर भी थोड़ा पानी आ गया और बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, पूरा यहाँ इधर फ्लोर पे पानी भर गया, रोड पे भी पानी आ ही रखा है। लगता नहीं कि खुलेगा आज मौसम। तो अभी ना मैं आ रखा हूँ छत पे ऐसे ही घूमने। अब बाहर मज़ेदार, मतलब आज तो मज़ेदार बारिश हो रही है सुबह से ही। मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, दूर का कुछ ना दिख नहीं रहा, धुंधला हो रखा है पूरा। जैसे ओस टाइप की नहीं पड़ जाती वैसा हो रखा है। पानी वानी तो इधर भी भर गया, मतलब प्लॉट व्लॉट में रखे हैं, इधर साइड भरता नहीं है पानी। ओ, उस वाली रोड पे चल रहा है पानी। पानी तो खैर इस वाली रोड पे भी कम है। हाँ है यार, पानी इधर भी है। तो ये वाली रोड पे तो पूरा पानी आ गया इधर साइड में आगे तक। ओ हमारी वाली गली में भी आ रखा, पर कम नहीं आ रखा। उधर वाली में भी पूरा आ रखा पानी। तो वो आ रहा है एक बाइक पे दूध वाला, मतलब पानी अच्छा भर रखा है इधर साइड में। तो ये भी पानी देखना आ रखी है बाहर, बहुत तेज हो रखा है पानी उधर। वो गाड़ी लेके नहीं जा पा रहा वो। एक बाइक वाला और ये कार वाले खड़े हैं ना, तो उधर जाना होगा इनको, पर ये जा नहीं पा रहे क्योंकि पानी बहुत बढ़िया है, बढ़िया हो रखा है। तो ये ना गाड़ी ले तो गया, पर ये इसके अंदर पानी भर गया होगा गाड़ी के। यहाँ भी अच्छा पानी आ रखा है इधर, वो उन उधर साइड में पूरा अंदर चला गया उनके घर के पानी ना। तो अभी टाइम हो गया 8:30 और शिवा तो अभी भी सो ही रखा है। ठीक है, सोता रहेगा थोड़ी देर और, 9:30 बस तो उठता ही है। शिवा ना सो ही रहा है, 9 बज गया है। और फिलहाल ये कर रहे हैं वाइपर से साफ इधर। क्या है ओ वो है ओ कीड़ा, तो वाइपर से ना साफ कर रहे हैं क्योंकि अंदर बाहर जाना होता ही है ना। और पानी तो अभी भी, मतलब बारिश कम हो गई ना तो थोड़ा बहुत कम हो गया पानी उनके वहां, तो उधर पूरा पानी भर रखा। आज तो शिवाना अपने पापा पे ही चिपका हुआ है सुबह से। क्या हो गया इसको, क्या हुआ? तैयार हो रहे दुकान पे जाने के लिए हैं? सो ना लिए। अच्छा, मैं जो एक ना गाड़ी की आवाज ही आ रही ना, और ऐसा लग रहा है कि भम करके बारिश आ रही। अब तो बूंदाबांदी हो रही थोड़ा बहुत। शिवा की भी ना नहाई नहाई हो गई है,
अश्वक किसके कपड़े पहने आपने? कौन लाए थे? दऊ लाए थे मैंने ना। अश्वक की टी शर्ट निकाली ना, थोड़ा सा बड़ी सी है ना, लेकिन ठंडा ठंडा सा हो रहा है तो मैंने ये वाले कपड़े पहना दिए हैं इससे फिलहाल। दऊ दऊ और झाड़ू झाड़ू तो सुबह ही लग गया था, मेरा काम सुबह जल्दी हो गया था। बस अभी कराम ने नहाना वगैरह दोनों ने, और देखो मौसम कैसे हो रहा है। मौसम आजकल तो सब जगह मौसम मौसम मौसम। और नीचे गिर जाओगे ऐसे? ऐसे नहीं उतरते, कैसे उतरते हैं? हाँ उतरो नीचे अच्छे से, ऐसे नहीं उतरते बेटा, धम होती है। और फिलहाल इतना पानी भर रहा ना आजकल सब जगह। हाँ पीछे का दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने सुबह साफ करा अच्छे से, और खोलूँगी फिर पानी की जगह। तो देखो कितना पानी भर रहा है यहाँ पीछे, ये इधर भी सारा पानी भर रखा है आजकल ना। और दोनों ने नहाना कर लिया। अच्छा वह कल हमने बाल, मैंने इसके शिवा के बिना आज मैंने बालों में नहीं डाला ना पानी, मतलब सर पे नहीं डाला पानी, और मैंने तो कल धुले थे बाल तो इसलिए। क्या आ रहा है? हैं रेड रेड तो दम खेल रहा है। और आज से इसको पापा की याद आती बार बार, पापा 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 लगा हुआ है, और टावल वगैरह ऐसे फैलाने पड़ रहे हैं। क्या गी गी। तो हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, अभी तो 10:30 हो रहा है। तो फिलहाल अशिवा को मैंने दिए उसकी तरह मखाने। अशिवा यहाँ से ना बाहर दरवाज़ा खुला हुआ है ना, मतलब पर्दा हटा हुआ है, बाहर के नज़ारे देख रहा है यहाँ से। क्या है बाहर? तो अभी ना 12:30 बज गया है दिन का, तो मैंने अभी रखी हुई है मूँग की दाल बनने के लिए। अशिवा नीचे है, तो नीचे गए थे हम थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह काम पड़ गया था, तो शिवा ना थोड़ा हो ही जाता है, इसके घुमाना पड़ता है इसको, तो वही कर रही हूँ। मूंग की दाल बना रही थी मैं, इनका बना दूँ तो यार। और मौसम ना अब खुल गया है, कपड़े कपड़े मैंने बाहर फैलाए हुए हैं तो खुल गया मौसम, रोड वगैरह भी साफ हो गए। देख रहे पानी पर भरा हुआ, धीरे धीरे निकलेगा ना ये पानी, तो थोड़ा बहुत खुला है मौसम। तो बारिश ने तो बड़ा परेशान कर दिया था कल रात से। तो मैंने रोटी भी बना ली है गरम गरम, और दाल मैंने इसमें कर ली है खाली, तो मैं और शिवा खा लेते हैं। प्याज काटे हुए हैं, नींबू डाल के रखे हुए हैं, तो खा लेते हैं। शिवा खा ले खाना, हाँ भूख लग गई होगी ना मैं शिवा को। और ये इतनी सारी लाइट खोली हुई है मेरे बच्चे ने, है ऐसे गंदे गंदे काम करता है, तो खाना खा लेते हम दोनों। बारिश तो थोड़ी देर रुकी थी, फिर से होने लगी। प्रिया में गाड़ी लेके आ रखा था, क्या मम ले ले यहां से पकड़। क्या बना रखा? मूंग की दाल। बारिश ही हो रही यार बाहर तो। रोया ना भी रो रहा और वहां से तौलिया निकाल के अपने आंसू पोंछ रहा, क्यों रोया तू? तो आज पहली बार देख रहे होंगे ना। हाँ ले वही रखेगा, वही जरा निकाला जा जाए। शाम का ना 5:15 बज गया है, शिवा थोड़ा सो रहा उठ रहा। और किताबें मेरा इंतजार कर रही, पढ़ तो लिया पर। अच्छा। अभी ना शाम का बज रहा है 6:30, तो मैं लेके आऊँ एक बन और चाय बनाई मैंने अपने लिए। शिवा खाओगे बन? देखो कितनी अच्छी धूप सी पड़ रही ना शिवा पे। तो 6:30 होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा वो कर लूँ। क्या देख रहा? कहाँ गाओ? लाइट खोल दो। क्या है डिर? कहाँ से ला? अरे गो पापा ले गए, ले वो और आ रही, वो पापा ले गए बोल रहा, ये रहा पापा ले गए।
देखे ना नहीं कितना बच्चा क्यों डर 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 बना दो डर डर बना दो इसका शिवा अपना हाथ दिखाओ देखो शिवा का हाथ देखो शिवा का हाथ देखो शिवा का शिवा का देखो शिवा का हाथ कितना मोटा हो रखा है सूजन आ रखी दिखा थोड़ा रहा ये देखो पता नहीं किसने ना काट दिया इसे अरे दिखा दे यार मेरी चाँ दोनों खेल रहे आराम से शिवा ने उसकी रूफ छत ही उड़ा दी गाड़ी की उड़ा दी शिवा ने तोड़ दी ऐसे गंदे काम करता है और मैंने निकाला हुआ है बेसन तो बेसन प्याज के परांठे बना लूंगी आटा है थोड़ा गूंदना पड़ेगा आटा थोड़ा सा लाइट आई थी ओके शिवा क्या कर रहे हो पाटा प्याज के पराठे तो अभी आ गया था मैं घर पे और बैठा हुआ था ऐसे ही शिवा तो उधर पराठा खा रहा है तो मैं आपको बता ही रहा था कि क्या क्या हो रहा है चल रहा था मेरी लाइफ में पहले मतलब बचपन से ही मेरे साथ बहुत बुरे व्यवहार करे गए हैं मतलब बचपन से ही मेरे साथ मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सोतेली माँ जैसा बर्ताव करा गया और बचपन से ही मैंने हर चीज़ में संघर्ष ही करा कोई चीज़ मुझे मतलब इन्होंने दी नहीं है मैंने अपना जो पढ़ाई का खर्चा था जो ट्वेल्थ का खर्चा था वैसे ट्वेल्थ तक तो मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है उससे कोई 20-30 रुपए ही फीस थी महीने की तो उसके बाद भी जो मैंने पूरा खर्चा था ट्वेल्थ के बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ अपना काम ही कर रहा हूँ तो मैंने जो भी खर्चा उठाया अपने आप उठाया या भी चाचा और ने भी मदद करी बहुत तो चाचा और ने दिया ज़्यादातर तो मैं जो मुझे नहीं मिली जो चीज़ें मतलब कि मैं आगे पढ़ना चाह रहा था लेकिन इन्होंने मतलब अच्छे से पढ़ना चाह रहा था कि हाँ कि बड़े कॉलेज में पढ़ूँ या कुछ तो इन्होंने उस चीज़ में भी मेरी कोई मदद नहीं करी एक रुपया इनकी जेब से नहीं निकला मेरी पढ़ाई के लिए तो मैं यही करता हूँ कि ठीक है अपना चल रहा है जैसे चल रहा है अपने बच्चे को कम मैं अच्छा पढ़ाऊँ अच्छा लिखाऊँ यही मेरी मतलब जो है कि मुझे नहीं मिला जो माँ बाप का प्यार इसको मैं दूँ और ऐसे ही है मतलब इनका कि जो इन्हें मतलब जो मेरी माँ है उसको जो परवरिश मिली होगी अपने माँ बाप से तो उसने वही चीज़ दिखाई लेकिन ये मुझे तो इन्होंने इतनी बेकार परवरिश दी कि बस पूछो मत तो ये है कि बड़े मम्मी और ने तो मेरा कराई है चाचा और ने भी कराई है तो मैं तो वो चीज़ मना भी नहीं करता कि हाँ कि मेरा नहीं करा है तो चाचा ने बड़ी मम्मी ने कराई है मेरा जो करा है उसके बाद तो इन्होंने तो मतलब ये है कि कुछ भी नहीं करा तो अब यहाँ पे अपना हम रहते हैं यहाँ पे रेंट पे और ठीक है मतलब जो है चल रहा है अभी फ़िलहाल सही चल रहा है आगे देखते हैं क्या लाइफ में क्या होता है पर यह सोतेली माँ से ही बुरा बर्ताव करा मेरे साथ इसने तो पराठे तो बन गए ये बना रही है अभी चाय और आज ना दिखा शिवा हाथ दिखा शिवा का ना पूरा हाथ सूज गया है पता नहीं कैसे शिवा हाई हो रही है इसमें हैं शिवा हाई हो रही है इधर बता इसके ना पता नहीं किस चीज़ ने काटा हाथ पे इसका पूरा हाथ सूज रखा है वाला दिखाओ हाथ दिखाओ ऊपर भी सूज रखा है यार हाथ इसका ना यहाँ काटा किसी चीज़ ने इधर ये उसके दर्द भी हो रहा है रो भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले ना हाथ लगाने पे फिर चिकाई करी इसकी बर्फ से घी लगाया था मैंने हैं नीचे उन्होंने कहा ना घी लगा दे हाथ पे ये तो बड़ा हाँ शिवाना सेल्फी स्टिक लेके घूम रहा है और इसे बगल में रख के घूम रहा नहीं टूट जाएगी वो खराब हो जाती है वो
हाँ डम हो जाएगी उसको। हाँ डम। तो दोस्तों अब करते हैं आराम, खाना पीना तो हो ही गया था, नींद आ रही है, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे जो नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं हमारी, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। गुड नाइट, बाय बाय।